मुंबई शहर से 54 किलोमीटर दूर शहर कल्याण में श्री रामेश्वर दास जी बिरला के द्वारा 2 फरवरी 1961 को स्थापित कल्याण चैरिटी ट्रस्ट द्वारा विशालकाय कलामय विठोबा मंदिर का निर्माण हुआ, जो बिरला मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर की भूमि पूजा 5 मार्च 1962 को श्रीमती शारदा देवी बिरला के हाथों हुई और शिलान्यास श्रीमती वेणुताई चौहान द्वारा संपन्न हुआ। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठापना श्री बसंत कुमार बिरला एवं श्रीमती सरला देवी बिरला द्वारा 23 नवंबर 1966 को की गई। मंदिर का उद्घाटन 1 मार्च 1967 को महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक की धर्मपत्नी श्रीमती वत्सलाबाई नाईक के द्वारा संपन्न हुआ। बिरला मंदिर पूरी तरह से पत्थर से तराशा गया है। मंदिर के मुख्य द्वार के निकट 2 बड़े हाथी दिखाई पड़ते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार मंदिर के करीब 70 फीट की दूरी पर है और मुख्य द्वार पर गरुड़ देव विराजमान है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए 5 द्वार हैं, जिनमें 2 पूर्व पश्चिम और 3 सामने से मुख्य मंदिर में प्रवेश देते हैं। 5 द्वार संगमरमर से तराशे गए हैं। मंडप के सम्मुख 1600 वर्ग फुट का खुला नृत्य मंडप है। मंदिर के मुख्य भाग में स्थापित भगवान विठोबा रुक्मणी की मूर्ति काले संगमरमर से बनाई गई है। ये मूर्तियां महाराष्ट्र के परम पूजनीय स्थान पंडरपुर की मूर्तियों का प्रतिरूप है। मंदिर के द्वार पे अनेक मूर्तियां तराशी गई हैं, जिनमें मुख्यतः है भगवान विष्णु के दशावतार दिखाई पड़ते हैं। विठोबा रुक्मिणी के बगल में लक्ष्मी नारायण विराजमान हैं, जिन्हें इस विश्व में सुख शांति एवं ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, और दूसरे भाग में भगवती भुवनेश्वरी विराजमान हैं, जिन्हें इस पूरी सृष्टि की माता या सम्राज्ञिनी भी कहा जाता है। आषाढ़ एकादशी और कार्तिकेय एकादशी के दिन भगवान विठ्ठल रुक्मणी की बड़ी पूजा होती है और भगवान के दर्शन लेने लाखों की संख्या में भक्तगण दूर दूर से आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्री विष्णु निद्राधीन होते हैं। 4 के पश्चात प्रबोधिनी एकादशी के दिन वे जागते हैं, इसलिए इस आषाढ़ी को शायनी एकादशी भी कहा जाता है। आषाढ़ी एकादशी से ही चतुर्मास का प्रारंभ होता है, जो कार्तिक माह की प्रबोधिनी एकादशी पर आकर समापन होता है। आषाढ़ी के दिन लाखों भक्तगण भगवान विठ्ठल की डिंडी परम स्थान पंडरपुर ले जाते हैं। मुंबई एवं ठाणे से निकली कई सारी डिंडियां बिरला मंदिर स्थित श्री विठ्ठल रुक्मणी का आशीष लेकर आगे बढ़ती है। ऐसा माना जाता है कि इस पावन दिन पर किया हुआ उपवास फलित होता है। आषाढ़ी के दिन मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगता है। काकड़ आरती के पश्चात संपूर्ण दिवस श्री विठ्ठल रुक्मणी के अभंगों से एवं भक्ति गीतों से गूंजता है। Yeah, it's mine.
रहा है साया।